हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कई ऐसे कमेंट्स आए थे कि दी आप बताइए, अगर घर पर हम गोपाल जी को लाना चाहते हैं तो हम क्या तैयारियां हैं जो पहले से उनके लिए कर सकते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अगर घर पर हम गोपाल जी हमारे विराजित हैं तो उनके लिए हम वो स्पेशल चीज़ें जो है गोपाल जी की वो घर पर अवश्य रखें। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और विस्तार में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि ये एक शाउट आउट वीडियो है, और जिन्होंने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी उनका कॉमेंट आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि शाउट आउट वीडियो में मैं उनका नाम और कमेंट ज़रूर से आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो ये कमेंट आया था गरिमा बिंद्रा जी की तरफ से, और उन्होंने ही कहा था कि दी आप ये वीडियो शेयर करें। तो थैंक यू सो मच गरिमा जी। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो सभी घरों पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और आमतौर पर सभी घरों पर लड्डू गोपाल जी की भी पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी घर पर आने वाले हैं तो क्या प्रबंध हम उनके लिए कर सकते हैं और कैसे उनका स्वागत कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको ठाकुर जी ने सेवा का मौका दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि हम ठाकुर जी को घर ला रहे हैं, परंतु मेरा मानना है कि हम उन्हें नहीं लाते हैं, वह स्वयं अपने हमारे घर में प्रवेश करते हैं और हमें सेवा का मौका देते हैं। क्योंकि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूं तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने वीडियो भी शेयर करी है कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा मुझे मिली, कैसे युगल जोड़ी की सेवा मुझे मिली। तो ये सब एक चमत्कार ही है, ये कहूँगी ये सब लड्डू गोपाल जी हमारी राधा रानी की कृपा ही है जो उनकी सेवा मुझे नसीब हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे भी हम और चीज़ें विस्तार में जान लेते हैं। तो ये बात मैं कर रही थी कि कैसे हम उनका स्वागत करें। तो जैसे हमारे घर पर जब कोई मेहमान आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, ढेर सारी तैयारियां उनके लिए करते हैं, बहुत सारे व्यंजन जो है वो बनाते हैं, और जब वो रिटर्न जाते हैं तो उन्हें कुछ भेंट या गिफ्ट स्वरूप में भी कुछ ज़रूर देते हैं। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स मेहमानों की बात। जब हम घर पर आए जो अतिथि हैं उनके लिए इतना कुछ करते हैं, तो अब तो हमारे ठाकुर जी हैं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, वो हमारे घर पर प्रवेश कर रहे हैं, हमें सेवा का मौका दे रहे हैं। तो जब भी लड्डू गोपाल जी युगल जोड़ी आपके घर आते हैं तो ढेर सारी तैयारियाँ जो हैं वो आप उनके लिए कर सकते हैं। कई लोग फ्रेंड्स प्राण प्रतिष्ठा जो है लड्डू गोपाल जी की, युगल जोड़ी की, शिव विग्रह जो भी आते हैं उनके घर पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है उसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बताऊंगी। आप चाहें तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, 5 दिन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो आप फॉलो कर सकते हैं, जो 5 दिन की पूरी विधि है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कर सकते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा का 5वां दिन होता है तो उस दिन आप घर पर ठाकुर जी के लिए बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं, पूजा पाठ होती है, कई लोग हवन कराते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा भी आप करा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो घर पर ही जो हम कीर्तन वगैरह का आयोजन करते हैं, पाठ पूजा का आयोजन करते हैं, तो उन धार्मिक कार्यक्रमों का आप आयोजन कर सकते हैं, जिन्हें भी आप इनवाइट करना चाहते हो, जो भी सदस्य हैं आपके, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान श्रृंगार कराकर आप उन्हें विराजित कर सकते हैं। और फिर जो डेली प्रोसेस होती है, जो हमारी डेली सेवा का रूटीन है, जैसे मॉर्निंग रूटीन हो गया, और उन्हें सुबह रोज़ स्नान कराना, नित नियम से पूजा पाठ उनकी होना, और साथ ही फ्रेंड्स उनका जो भोजन है
जो भोग हम उन्हें लगाते हैं वो तीनों टाइम उन्हें अवश्य लगाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने नित्य नियम रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कई वीडियोस जो हैं वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी कि कैसा उनका रूटीन होना चाहिए, कैसे आप उनकी सेवा कर सकते हैं। ये तो आपके भाव आपके विचार है फ्रेंड्स, फिर भी आपकी थोड़ी सी हेल्प के लिए कुछ वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं जिससे आपको एक आइडिया मिल सके, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आप अपने परिवार के सदस्यों की सारी आवश्यकताएं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान हमें रखना है। उन्हें सही समय पर भोग, नाश्ता, जो भी भोजन है वो आदि करवाना है, प्रतिदिन उन्हें भोग लगाना है। माखन मिश्री उनको अति प्रिय है तो उसका भी भोग उन्हें ज़रूर लगाएं। यदि आप घर में कोई भी खाने की वस्तु लाते हैं तो सबसे पहले एक हिस्सा लड्डू गोपाल जी के लिए अवश्य रखें। तो प्रातः स्वयं स्नान करने के बाद जब लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराते हैं तो उनका सुंदर अच्छे से स्नान कराएं, सुंदर से ही उनकी पोशाक जो है वो उन्हें पहनाएं। और ध्यान रखें कि जिस तरह से आप स्नान करने के लिए सर्दी में गर्म पानी या गर्मी में ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को मौसम के अनुसार स्नान कराने के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं। और जो भी वस्त्र आप उन्हें पहनाते हैं, ऊनी वस्त्र हैं या जैसे हम जो कॉटन पोशाक पहनते हैं समर्स में, वैसी पोशाक का चयन आप मौसम के अकॉर्डिंग उनके लिए करें। रात के समय उन्हें एक बालक की तरह प्रेम पूर्वक शयन करवाएं, हो सके तो प्यार से थपकियां देते हुए लोरी गाते हुए आप उन्हें सुला सकते हैं। इसी तरह जब सुबह में भी आप उन्हें उठाते हैं तो सुबह उन्हें प्रेम से पुकार कर जगाएं। थोड़े थोड़े समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर आप जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं उन कुछ चीज़ों की जो हमारे श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं और हम उनके लिए घर पर वह सारी चीज़ें अवश्य रखें। तो जान लेते हैं विस्तार से उन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हमारे ठाकुर जी को जो अति प्रिय है वो है बांसुरी। तो श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। इसका कारण ये भी है कि जो बांसुरी है वो एकदम सीधी होती है, बिना बजाए नहीं बजती, और जो इसकी धुन होती है वो बहुत ही मधुर होती है, और यह हमें अपने जीवन में भी मधुरता बनाए रखने का संदेश देती है। अगली चीज़ जो हमारे श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है वो है गायें। तो गोमाता भी हमारे कृष्ण जी की बेहद प्रिय है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जो है वो इनमें होता है। इनसे जो भी पंच चीज़ें बनती है, दूध, गोबर, गोमूत्र, दही, तो इन्हें पंचगव्य कहा जाता है। हमारे श्री कृष्ण को मोर पंख जो है वह भी अति प्रिय है। और हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वह मोर मुकुट धारण करते हैं, और जब भी हम उन्हें पगड़ी वगैरह लगाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, तो उसमें मोर पंख जो है वह ज़रूर शामिल होता है। मोर पंख जो है वो हमारे प्रभु को अति प्रिय है। अगली चीज़ जो हमारे श्री कृष्ण को अति प्रिय है वह है कमल। तो कमल का फूल जो है वो सभी पुष्पों में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर माना जाता है, और कमल ज़रूर जो पाया जाता है, आप सभी जानते होंगे कि वह कीचड़ में उगता ज़रूर है, परंतु हर पूजा पाठ में कमल का जो फूल है उसका प्रयोग किया जाता है। और सांसारिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, कैसे सरल तरीके से हम अपना जीवन जी सकते हैं, यह संदेश हमें कमल के इस प्यारे से फूल से ही मिलता है। अगली चीज़ जो हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है वह है माखन मिश्री, जो हम सभी जानते भी होंगे। अपने गोपाल जी को हम इसका भोग भी लगाते होंगे। तो श्री कृष्ण को माखन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बालपन में श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला से हम सभी अवगत हैं और जानते हैं कि इन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। यह मिष्टि युक्त माखन हमारे जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। अगली चीज़ जो हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय है वह है वैजयंती माला।
तो कमल के बीजों से बनी यह माला हमारे गोपाल जी धारण करते हैं, और कमल के बीज जिनका अस्तित्व है भूमि, जो भूमि से ही उगकर इतने प्यारे जो पुष्प हैं वो बनते हैं, और यह हमें हमेशा खुश रहने का संदेश देते हैं, और यह हमें एक प्यारा सा संदेश भी देती हैं। वो संदेश यह है कि हमें जमीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमें अपने अस्तित्व के निकट अवश्य रहना चाहिए। तो यही एक प्यारा सा संदेश मिलता है हमें वैजयंती माला से। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई हो। जिन्होंने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था उन्हें भी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कीजिए, ताकि और भी सदस्य हमारे लड्डू गोपाल कृपा चैनल से कनेक्ट हो सकें। तो यही था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। फिर मिलेंगे हम एक आपकी दी गई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट शाउट आउट में आपका नाम आए, तो प्यारे प्यारे सुझाव और सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आप में से ही किसी एक की रिक्वेस्ट पर आएगी न्यू वीडियो, तो अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और चैनल को ऐसे ही ढेर सारा प्रेम और सपोर्ट देते रहिए। तो बस यही था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।